हेलो गाइस, तो आज फिर से बात करने वाली हूँ मैं सौरभ जोशी के बारे में। अच्छा, तो सौरभ जोशी एक मेहनती काबिल और होनार ब्लॉगर है जो बहुत ही मेहनत करके टट्टी ब्लॉग बना, पता नहीं उसको देखता कौन है। उस चश्मे में इतना घमंड आ चुका है, 20 मिलियन सब्सक्राइबर लिए हुआ है, तो घमंडी आएगा उस चश्मे में। जैसा कि उस पर आरोप लग रहे हैं, वो बहुत घमंडी है और लगने भी चाहिए क्योंकि वो शक्ल से लगता भी ऐसे ही है। सौरभ भाई से जैसे भी कोई उनका फैन मिलने आता है तो भाई साहब घर से निकलते भी नहीं। उन्हें तो ग्रेटफुल होना चाहिए कि उनसे कोई मिलने आ रहा है, यहाँ तो हमसे कोई गांव का बंदा भी मिलने नहीं आ। अगर हमसे कोई मिलने आए तो मैं तो भाग के जाऊँ उसे ऑटोग्राफ देने। अच्छा, और इसमें सारी गलती सौरभ जोशी की है। भगवान ना करे आज उसके पास ऑडियंस है, कल ना हो। बात तो सही है। और इसमें गलती तुम्हारी यानी ऑडियंस की भी है। तुमने सौरभ जोशी के भाई पीयूष जोशी के चैनल पर एक दिन में 1 मिलियन सब्सक्राइबर करवा दी। 1 मिलियन सब्सक्राइबर! कोई भी क्रिएटर दिन रात मेहनत करके 1 मिलियन सब्सक्राइबर करवाता है, और यहाँ सौरभ जोशी के भाई के एक दिन में 1 मिलियन सब्सक्राइबर। क्रिएटर जब साल 2 साल मेहनत करता है जब उसके 1 मिलियन सब्सक्राइबर होते हैं, और इसके रातों रात 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो गए। उसको गेमिंग का जी भी आता। यूट्यूब क्रिएटर को गोल्ड प्ले बटन, सिल्वर प्ले बटन इसलिए देता क्योंकि यूट्यूब को पता है क्रिएटर की इन चीजों को पाने के लिए जिंदगी निकल जाती। लेकिन जब ऐसे लोगों को रातों रात ये चीजें मिल जाएंगी तो इनको इनकी वैल्यू कैसे पता हो? फिर तो ये लोग कंटेंट के नाम पर आपको ये दिखाएंगे। तो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। मुझे पीयूष के और सौरभ जोशी के बारे में जो बोलना था मैंने बोल दिया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट।